नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से, मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि आप चिड़ियों की चहचहाट का आनंद लें। तो आज के वीडियो में मैं सुबह का रूटीन बता रही हूँ अपना, और आज मैं आपको सिखाऊंगी एक स्पेशल ग्रीन टी जो कि मैं अपनी छत से ताजी पत्तियाँ तोड़ के बनाती हूँ और जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जब छत से ताज़ी पत्तियाँ तोड़ के आप भी बनाएंगे ये ग्रीन टी तो बहुत मज़ा आएगा, स्वादिष्ट भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। लेकिन चाय बनाना सिखाऊँ उसके पहले एक नज़र बगिया पर घुमा लेते हैं। सुबह का समय है और बगिया में फूल ही फूल खिले हैं, और अभी अभी हमारी पुताई हुई है गमलों की, तो बगिया बहुत ही सुंदर लग रही है। मैं वीडियो बनाने के मूड से नहीं आई थी ऊपर, मैं जब ऊपर आई तो मैंने देखा कि बगिया पूरी तरह खिली हुई है, तो मैं फिर नीचे जाके और फ़ोन उठाकर आई और मैंने ये रिकॉर्डिंग की। मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। अडेनियम पूरी तरह खिले हुए हैं, और जो सुबह का समय होता है तो वो बागवानी में बैठने का आनंद ही कुछ और होता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी लगाएं पौधे और मेरी तरह एंजॉय करें। एक्चुअली ज़िंदगी को एंजॉय करने का ये बहाना है बागवानी, बहुत ही सुंदर। देखिए सामने गोभी लगे हैं, और ये हो गए करीब, इनको क्यारी में उतारे हुए 15 दिन तो हो गए होंगे, और एकदम से ग्रोथ लिया है इन्होंने। और यहीं पास में लगी है हमारी अदरक, जिसकी पत्तियां मैं भी तोड़ूंगी, और मैं भी नीचे चल के आज आपको अपनी किचन में ले जाऊंगी और मैं चाय बनाना बताऊंगी। बिल्कुल 5 मिनट की फटाफट है, तब तक हम पूरी बगिया देख लेते हैं। और हरियाली देखने से तो मन भरता ही नहीं है। मुझे पता है कि जिन जिन लोगों के यहाँ लगी होगी ना ये सब्जियाँ, वो बिल्कुल समझते होंगे कि इसका सुख क्या होता है जिनके यहाँ पौधे होंगे। तो तुलसी लगा रखी है मैंने जगह जगह, ऐसे में तुलसी की मंजरी काट देती हूँ, उसके फूल काट देती हूँ, पर इस प्लांट पर मैंने नहीं काटे थे क्योंकि मैं सोच रही थी कि थोड़े से बीज बना लूँ तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये होगा कि फिर बहुत सारी तुलसी उगेंगी। जनरली हम पूरा काट देते हैं तो फिर पककर बीज तैयार नहीं हो पाते हैं। तो मैंने अदरक के पत्ते तोड़ लिए हैं, तुलसी के तोड़ लिए हैं, और हमारे यहाँ बेजिल भी लगी है, और मरुआ जिसे मरुआ दोना कहते हैं, वो भी एक औषधि है, तुलसी की ही प्रजाति का है। तो कुछ पत्तियाँ मरुआ की लेती हूँ, मरुआ बहुत तेज फ्रेग्रेंस होती है तो कम लेती हूँ, मैं 1 या 2 पत्ता लेती हूँ। तुलसी सबसे ज़्यादा रहती है और अदरक अच्छी रहती है। अब अडेनियम की कतार आप देखिए, जैसे कि प्रेयर कर रहे हों बच्चे और उनकी यूनिफॉर्म भी एक सी हो, पिंक और रेड। अभी तो सीजन आ गया अडेनियम का और बहुत अच्छे खिल रहे हैं। और आप शुरू से मेरे इन प्लांट से जुड़े हैं, इनकी बिल्कुल केयर नहीं होती। मैं तो सच्ची कह रही हूँ कि इन्हें आप लगा दीजिए और बस इन्हें रख दीजिए, बस धूप चाहिए और कम पानी चाहिए, इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं होती। बीच बीच में अभी ये पत्ते पीले पड़ रहे हैं इनके, जो हम समय समय पर हटाते जाते हैं। ट्रे का इनका पॉट भी छोटा चाहिए, बस इनकी एक ही केयर होती है कि किसी भी कीमत में इनको ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, ज़्यादा पानी देने से तो ये मर जाते हैं। और देखिए सुबह का समय, मैंने पत्तियाँ तोड़ ली हैं और अभी मरुआ की पत्ती रह गई है जो मैं अभी तोड़ के बताऊंगी, और उसके बाद हम चलेंगे किचन में। तो किचन में हम चाय बनाएंगे, जो हमारी स्पेशल ग्रीन टी है। ऊपर देखिए हैंगिंग टंगे हैं, हैंगिंग प्लांट अगर गार्डन में हो तो सुंदरता दुगनी बढ़ जाती है, ज़रूर होना चाहिए। आपको हैंगिंग प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए, एक तो जगह नहीं घेरते हैं बहुत, नीचे भी देखिए इनके पौधे रखे हैं और ऊपर भी टंगे हुए हैं। और इस बार तो मैंने 3 काली मटकियाँ ख़रीदी थी, और एक्चुअली ख़रीदी भी नहीं, बच्चे जो ये हांडी बिरयानी मंगाते हैं उसकी 2 तो उसमें की थी और 1 मैंने ख़रीदी थी, तो वो काली मटकियों में मैंने टेंगल हार्ट वाइन जो लगाई है लटकती हुई, वो बहुत सुंदर लगती है और गार्डन को बहुत शोभा देती है। और अभी तो आप ये देख लो, अडेनियम ही अडेनियम है, पूरी छत पे खिले हुए हैं। और ये देखिए वो टेंगल हार्ट, 3 मटकियां हैं काली जो मैंने फंसा दी हैं। और इस बार पहली बार मैं पॉट में पपीता उगा रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं बहुत
उत्साहित हूँ कि देखें फल लगते हैं कि नहीं, और नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं, मुझे चिंता नहीं होती, मैं तो बस लगाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। फल हो गए तो ठीक है, नहीं तो हरियाली तो देंगे ही। नीचे ये मूली लगी है और उसके आसपास बाउंड्री में दो दो पत्ते और उग रहे हैं, वो चुकंदर हैं। और ये देखिए मटकियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, आप भी बिल्कुल मटकियों में लगाएं, बहुत अच्छे लगते हैं मटकियाँ, पर गोल पॉट कोई भी हो। और ये देखिए हम आ गए मरुआ, मरुआ दौना जिसे कहते हैं, मरुआ तुलसी, इसके मैंने दो पत्ते ले लिए हैं बस। और दो पत्ते इसलिए कि बहुत तेज फ्रेग्रेंस होती है। अब हम चलते हैं उतर के नीचे, ये हमारी सीढ़ी, और हम नीचे पहुंचते हैं घर में। आज पहली बार मैं आपको अपना घर भी दिखा दे रही हूँ, पूरा होम टूर तो नहीं है पर किचन दिखा देती हूँ मैं आज को। फिर आपको लगता है कि मुझे होम टूर करना चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, आप लोग अगर चाहोगे तो मैं होम टूर भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं तो अभी तक केवल अपनी टेरेस ही दिखा रही थी, गार्डनिंग दिखा रही थी। अगर आप लोग मुझे राय देंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 3 मंजिल पर है मेरी छत, तो ये हम 2 मंजिल उतर के आते हैं, और ये हमारी जिंजर स्वागत के लिए हम ऊपर जाते हैं तो ये हमारे साथ चलने की ज़िद करती हैं, फिर हम रोक देते हैं तो बेचारी दरवाजे पर ही खड़ी रहती हैं हमारे लौट के आने तक स्वागत में। और अब हम बनाते हैं चाय, चलते हैं किचन में। ये देखिए गैस पे भगोनी चढ़ा दी है मैंने, और अब पत्तियाँ और बारीक काट के भी डाल सकते हैं, पर मेरे हाथ में फ़ोन था इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दी है। अगर बारीक काट के डालेंगे तो इनका रस बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो नींबू का एक टुकड़ा लगेगा, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ी सी 2 चुटकी चाय की पत्ती भी लगेगी, और इन पत्तियों को हम जितना देर तक उबालेंगे उतना ही इनका अर्क पानी में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको पानी में डाल के, अगर 2 कप चाय चाहिए तो मैं 2.5 कप पानी चढ़ा देती हूँ और थोड़ी सी शक्कर डाल के, और इसे ढक के रख देती हूँ तो ये उबलती रहती है। और जब ये उबल के पूरी तरह इसका अर्क पानी में आ जाता है तो ये पानी ग्रीन हो जाता है, बिल्कुल ग्रीन, बहुत सुंदर लगता है और अच्छी खुशबू आती है। ढक के इसलिए उबालना चाहिए कि इससे इसकी जो खुशबू है वो बाहर नहीं निकलती, पानी में ही अंदर रह जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। और सेहत का तो आप पूछे मत, अदरक तुलसी, और आप चाहे इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, आप चाहे इसमें लौंग डाल सकते हैं, दालचीनी भी डाल सकते हैं जो आजकल काढ़े का इतना लोग कह रहे हैं। तो ये तो हम, मैं रोज़ नहीं पीती हूँ पर हम अक्सर पीते हैं, मतलब हफ्ते में 5 दिन तो हम पीते ही हैं, पर 1-2 दिन नहीं भी मन होता तो चेंज के लिए नहीं भी पीते हैं। पर सुबह जल्दी उठ जाते हैं और ये पीते हैं, उसके बाद हमारी जो दूध वाली चाय है वो 9 बजे के आसपास बनती है, और ये बहुत फ्रेश करती है। इसको हम 1 कप से ज़्यादा भी पी लें, एक्चुअली तो औषधि है, इसके लिए कप की कोई नाप ही नहीं है। 1 कप से ज़्यादा भी पी लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। और जब चाय की पत्ती डाली उसके बाद हम ज़्यादा उबालते नहीं इसको, नहीं तो ये कड़क हो जाएगी। बस चाय उबलते हुए उसमें चाय की पत्ती 2 चुटकी डाली और गैस बंद कर दी। गैस बंद करके मैं 1 टुकड़ा नींबू का डालती हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें, ना नहीं पसंद हो तो नहीं डालें। मुझे बिना नींबू की भी अच्छी लगती है, पर मेरे श्रीमान जी को नींबू का फ्लेवर बहुत पसंद है। अगर नींबू का फ्लेवर डाल देते हैं तो तुलसी का अदरक का फ्लेवर कम हो जाता है, सिर्फ नींबू नींबू का आता है। आप दोनों तरह से बना के देखिए, बिना नींबू के अगर पियेंगे तो तुलसी और अदरक का फ्लेवर ज़्यादा तीखा आएगा, अभी नींबू डाल दिया है तो नींबू का फ्लेवर ज़्यादा तीखा है। लेकिन कुल मिला के दोनों तरह से ही अच्छी लगती है। और जो लोग नए हैं, चाय की चुस्की तो मैं अभी श्रीमान जी को दूंगी और वो पी के भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आप लोग जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल से वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी गार्डन के अपडेट मिलते रहें, और मैं इसी तरह गार्डन में उगी हुई चीज़ों से नई नई रेसिपी बनाऊंगी। मैं कब क्या क्या तोड़ती हूँ, कैसे बनाती हूँ, अगर आप इस तरह का कुछ चेंज चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताना, आप बताएंगे तो ही मैं बनाऊंगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ये देखिए जिंजर बैठी हैं बालकनी में, मैंने श्रीमान जी को बताया नहीं कि मैं वीडियो कर रही हूँ या चाय बना रही हूँ, वो अचानक आए हैं और मेरे हाथ में कैमरा देख के उन्हें लग रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो बस ये हमारा सुबह का रूटीन है, और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट मुझे बहुत एनर्जी देते हैं और आप लोग बहुत प्यार से मुझे सुनते हैं, देखते हैं, सराहते भी हैं, इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। नमस्कार।